प्यार तो किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और किसी से भी हो सकता है। फिर वो चाहे जायज हो या नाजायज, उस पर किसका बस है। पर अगर संबंध अवैध हो फिर उसका अंत भी भयानक ही होता है। पर गुनहगार को ये कहां मालूम था कि उसकी कहानी का अंत इतना भयानक होने वाला है। जी बहन जी, हाँ मिलते हैं आज शाम को। कहा ना, आज मिलते हैं। ठीक है। जी मम्मी जी, आपका जूस जो आपको रोज टाइम पे पीना बहुत जरूरी है ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। विजया बेटा, कहने को तू मेरी बहू है लेकिन आज मेरी कोई बेटी भी होती ना तो तुमसे ज्यादा ख्याल मेरा नहीं रख पाती। मम्मी जी, हाँ पीना। मेरे बेटा डुगू को मेरे से और तुमसे भगवान ने दूर करके बहुत गलत की लेकिन अभी भी उम्र बीती नहीं है बेटा। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूं और आज भी कह रही हूं, दूसरी शादी कर ले, कोई अच्छा लड़का देख। और मम्मी जी, मैंने भी आपको पहले कितनी बार कहा है और आज फिर कहती हूं कि ये जो घर है ना, ये मेरा है। आप मेरी मम्मी हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ना ये जूस पियो, ठीक है? मैं आती हूं। ये लड़की भी ना पत्थर की तरह टिक गई है इस घर में, इस घर को छोड़ के जाने का नाम ही नहीं लेती। विजया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार। अच्छा जी, तो आप हमसे डरने लगे हैं और रात को घर भी लेट आने लगे हैं। कहीं बाहर कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा ना? वैसे अगर चक्कर चल भी रहा हो तो भी क्या कर लोगी तुम? जान ले लूंगी उसकी जिसने तुम्हारे साथ चक्कर चलाने की कोशिश भी की। एक बार अपना प्यार खो चुकी हूं, दोबारा किसी भी कीमत पे नहीं खो सकती। विजया, ये आंसू नहीं है, मोती है, बेहद कीमती है। इन्हें ऐसे ही वेस्ट मत करो। क्या हुआ? श्री, तुम कौन से पुराने जमाने की मूवी के डायलॉग बोल रहे हो? हाँ, क्या हुआ तुम्हारी फ्लैटिंग स्किल को? अच्छा जी, मतलब मेरी फ्लैटिंग स्किल्स देखनी है आपको? तो आपको फ्लैटिंग स्किल्स दिखा ही देता हूं।
सनी, 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 अभी तक सो रहा है सनी। ए बेटा सनी। माँ विजया, विजया उठो। सोने दो ना। अरे विजया माँ आ गई है बाहर दरवाजे पर, उठो। माँ ऑफिस नहीं जाना है क्या सन्नी? विजय अगर माँ ने आज हम दोनों को ऐसे देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सन्नी, सन्नी बेटा, सन्नी अब क्या करें? अरे मुझे क्या पता यार क्या करें? मैं कहाँ छुपूँ यार, माँ ने देख लिया तो क्या होगा फिर? तुम कहीं भी छुपो यार, जाओ। सन्नी, सन्नी, सन्नी कितना सोएगा? ऑफिस नहीं जाना तुझे? जाए माँ। उठ जा, चल। बेटा रेडी होके नीचे आ जा, मैं तब तक देखती हूँ विजय ने नाश्ता बनाया कि नहीं। ठीक है माँ, आप जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ आप सोना मत, उठ जा। सन्नी इतना बड़ा पलंग तुझे छोटा पड़ता है? ले क्या भी गिरा दिया, रख संभाल के। जिया जल्दी आओ, मार आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी निकलो, मार निकल गई। बहू चाय बन गई क्या? हाँ माँ जी, बस। लीजिए माँ जी आपकी चाय। भाभी मुझे जूस ही दे देना। अरे पर मैंने तो तुम्हारे फेवरेट पराठे बनाए आलू के। नहीं भाभी आज मुझे ऑफिस में बहुत काम, जल्दी निकलना है। अच्छा नहीं मामा। बेटा तुझसे कुछ बात करनी थी, वो अपने कुलकर्णी साहब है ना, उनके पहचान में एक अच्छा परिवार है। लड़की तो वैसे कानपुर में काम करती है, लेकिन उसके पिताजी कुछ दिनों में कानपुर आने वाले हैं, फिर अपने घर रिश्ता लेकर आएंगे, तो टाइम निकाल लेना। मैंने तेरा फोन नंबर दे दिया है लड़की को, रिशा नाम है। अच्छा नाम है ना? जी मम्मी। कॉल आएगा तो बात कर लेना। हाँ जी मम्मी, मैं ध्यान रखूंगा। मम्मी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। जूस तो पीता जा बेटा। नहीं माँ वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चल रहा है ये? हाँ क्यों अपनी मम्मी के हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे तुम सुबह? तो और क्या करता मैं, माँ को बता देता हम दोनों के बारे में। और रही तो क्या, हाँ तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे, तो फिर ये लड़की देखने दिखाने का क्या चक्कर है? देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, लड़की देखने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। देखो तुम टेंशन मत लो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है हम माँ से जाकर ये कहेंगे कि मुझे तुमसे शादी करनी है और माँ तैयार हो जाएंगी? ऐसा लगता है तुम्हें?
देखो विजया, हमें जो कुछ भी करना है वो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत एक प्रॉपर स्टेप लेकर करना पड़ेगा, और मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। प्लीज ट्रस्ट मी। अच्छा चलो, मुस्कुरा दो। एक मिनट, किसका फोन है? अरे वो कुछ नहीं, वो मार्केटिंग वाले। छोड़ो ना, ऐसे ही फोन करते रहते हैं यार। तुम बताओ ना, हम कहाँ थे अभी? हम कहीं नहीं थे, हम यहीं पे थे। तुम जा रहे हो वॉशरूम फ्रेश होने, और मैं जा रही हूँ नीचे खाना गरम करने। ओके, तो तुम जाओ। जाओ। मैंने तेरा फोन नंबर दे दिया है लड़की को, कृषा नाम है। कहीं उस लड़की का नंबर तो नहीं है जिसके बारे में माँ ने जिक्र किया था? बीपी चेक करके देखता हूँ। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। कॉल करता हूं इसे। हेलो कृषा जी, और आप सनी जी बोल रहे हैं? जी। और आपने तो मेरा फर्स्ट कॉल ही नहीं उठाया, आगे क्या होगा? हाँ, वो माँ ने बताया था मुझे आपके बारे में, तो मुझे समझ में आ गया कि आप ही का कॉल होगा। एक्चुअली जब आपने मुझे फोन किया उस समय मैं किसी और के साथ था, तो उसके लिए सॉरी। अरे सॉरी क्यों, ये तो अच्छी बात है ना, आपको मुझसे अकेले में बात करनी थी। ओह थैंक यू। कोई नहीं, बट नाइस। मैं बाहर आई हूँ, शाम को मिलती हूँ। वाह, ये तो भाभी से भी ज्यादा मस्त है। क्या फिगर है यार। हाय कृषा। सनी, कल मैंने फोन पे आपकी आवाज सुनी, मुझे लगा आप बहुत खूबसूरत होंगी। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? आई मीन जितना मैंने सोचा था आप उससे भी कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू। वेलकम। वैसे पापा ने बोला था आपसे बात करने के लिए, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर मिलने के लिए ही आ गए। मैंने पापा को बताया नहीं है, तो प्लीज आप भी आंटी को मत बताइएगा। जी जी बिल्कुल, आप रिलैक्स रहिए, मैं नहीं बताऊंगा। वैसे आप जॉब करते हैं? जी, एक MNC है, UK की कंपनी। ओके। वहाँ मैं मार्केटिंग टीम में हूँ। मैंने भी MBA किया है, HR मैनेजर हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। थैंक यू।
वैसे पापा से बात हुई थी, वो 2-3 दिन में आने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। आई मीन सब कुछ जितना जल्दी हो जाए ना उतना ज्यादा अच्छा है। बच्चों के फोन पे बात तो हो ही गई थी, आज मिल भी लिए और इसी बहाने आपसे भी मिलना हो गया। सही कहा आपने, रिश्ता 2 पति-पत्नी के बीच का थोड़ी ना होता है, 2 परिवारों के बीच का भी होता है। जी सही कहा। और लीजिए ना भाई साहब, ये नाश्ता लीजिए। लो ना बेटा, ये लीजिए, लो बेटा। थैंक यू मैम। कृषा, कृषा, तुम कहीं चली तो नहीं ना? कृषा दीदी ठीक हो ना? हाँ पापा, बस कपड़ों पे लगा है। विजय बेटा क्या कर रही है ये? अभी ये जल जाते ना। सॉरी माँ जी। कोई बात नहीं आंटी, हो जाता है कभी कभी। भाभी आप ठीक है ना? आपको तो नहीं लगाना कहीं? तनी बेटा। हाँ माँ। कृष्णा को अपने कमरे में ले जाओ, वहीं कपड़े साफ कर लेगी। जी माँ। कृष्णा चल। जी आओ। आओ कृष्णा, आओ, शर्माओ मत। वाओ सनी, तुम्हारा रूम तो बहुत सुंदर है। क्या कहा तुमने? मेरा रूम? अब ये मेरा रूम नहीं, हमारा रूम होने वाला है। छी, ऐसे 80s की फिल्मों के डायलॉग मारते हो तुम। अच्छा जी, मैं 80s? By the way, मुझे कपड़े साफ करने हैं। ओह। तो बाथरूम का है? सॉरी, प्लीज आओ। आ जाओ। बाथरूम? बड़े रोमांटिक बन रहे थे ना। पापा। बेटा वो लड़का सनी पड़ गया है ना तेरे प्यार में? वेरी गुड, वेरी गुड बेटी, वेरी गुड।
अब जल्दी से शादी की डेट फाइनल करनी है, उसके बाद उन्हें लूटकर दूसरे शहर में जाना है और वहां किन किन को लूटना है उसकी लिस्ट बना ली है मैंने। बेटी ये उदास क्यों है तू? ये तेरा पहला काम थोड़ी है, है? पापा आज तक आपके कहने पे मैंने बहुत लोगों के दिल तोड़े हैं, लेकिन सन्नी के साथ ना मुझे एक कनेक्शन महसूस होता है और मैं ये सब काम छोड़ना चाहती हूँ और उसके साथ ना एक नई जिंदगी बिताना चाहती हूँ। बेवकूफ लड़की, अपनापन महसूस करना तेरा काम नहीं है, तेरा काम सिर्फ मुझे पैसे कमा के देना है, समझी? तेरे ये अपनापन महसूस करना है ना, छोड़ जाए, उन्हें लूट और आगे बढ़। पापा आपने जो कुछ भी कहा मैंने सब कुछ किया, आगे भी करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो जान ले लूंगा मैं तेरी, समझे कि नहीं? जिया, तुम यहाँ कैसे आई? क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो? नहीं वो मैं ऐसे, मजाक चल रहा है यहाँ पे? वो लड़की तुम्हें देखने के लिए घर तक पहुँच गई और तुम ऐसे देख कर जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्या चल रहा है ये सब बताओगे? विजया मैं, विजया तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? तुम्हारी ये जो हरकतें चल रही है ना उसे देख के तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो मैं क्रिएट करूंगी। सनी तुम्हें मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मुझे धोखा देके उस लड़की से शादी की ना तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। पीछे तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि इस लड़की से रिश्ता तय होने के पहले तुम मम्मी जी के पास जाओ और उन्हें मेरे बारे में सब कुछ सच सच बताओ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शादी जल्द से जल्द। शादी इतने जल्दी? इतनी जल्दी? अरे मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम भी तैयार नहीं थे, और जब तुम उस लड़की त्रिशा से शादी करने के लिए तैयार हो सकते हो तो मुझसे क्यों नहीं? विजया मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है, मुझे कृषा विशा से नहीं करनी यार शादी। वो कृषा विशा का चक्कर तो सिर्फ माँ की वजह से था, तुम भूल जाओ कृषा को। नहीं करनी ना तुम्हें कृषा से शादी, तो ऐसा करो ये रिश्ता तोड़ दो अभी के अभी, जाओ और मम्मी जी को बोलो कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। करोगे ना तुम ऐसा? बोलो। हाँ विजया मैं करूंगा तुमसे शादी, लेकिन विजया ऐसे नहीं होगा, हमें जो कुछ भी करना है हमें प्रॉपर प्लानिंग के तहत प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। विजया मुझ पर विश्वास रखो, मैं करूंगा तुमसे शादी। पर सुनो, बस कुछ नहीं, तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो, ट्रस्ट मी। ये विजया तो गले की हड्डी बनती जा रही है, कैसे कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं इससे? वैसे पापा शादी के बारे में पूछ रहे थे। हाँ माँ ने बात की है पंडित जी से उसके बारे में।
पंडित जी बोल रहे थे कि आने वाले 2-3 हफ्तों में एक बहुत अच्छा मुहूर्त आने वाला है, मैं उसी के बारे में तुमसे बात करने चाह रहा था। अच्छा, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो आपसे ही शादी करनी है और जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। मुझे भाभी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। अरे छोड़ो ना। अरे कुछ नहीं होगा। ये सनी के रूम से कैसी आवाजें आ रही हैं? कोई देख लेगा, और वैसे भी 2-3 हफ्ते में तो हमारी शादी होने ही वाली है। कोई नहीं देखेगा, माँ मौसी के घर गई है और वो भाभी सो रही होगी, और अब मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी और नहीं रह सकता। भाभी, आपने मुझे ऐसे यहाँ क्यों बुलाया? त्रिशा, अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसके लिए तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। भाभी, ऐसी क्या बात है? त्रिशा, सनी तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। भाभी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? त्रिशा, सनी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम हम दोनों के बीच आ रही हो। सनी अपनी मम्मी के कारण तुम्हें कुछ बता नहीं पा रहा है। तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम किसी और लड़के से शादी कर लो। लेकिन भाभी, पापा ने तो शादी की सारी तैयारियां कर ली है और मैं भी सनी से बहुत प्यार करती हूँ। ऋषा, मैं समझती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है। सनी और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और वैसे भी तुम्हारे लिए यही ठीक है कि तुम इस रिश्ते को मना कर दो, तोड़ दो, क्योंकि सनी जैसा प्यार मुझे करता है ना, वो तुम्हें कभी कर ही नहीं पाएगा। बाकी तुम समझदार हो, जो भी फैसला लो सोच समझ के लो। बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? बेटा हुआ क्या? पापा, सनी अच्छा लड़का नहीं है। त्रिशा, सनी तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। सनी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तुम हम दोनों के बीच आ रहे हो। उसका उसकी भाभी के साथ संबंध है। क्या?
समधी जी, ऋषा, आप दोनों ऐसे अचानक? ममता जी, आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया है। ममता जी, आपकी बहू इतनी बच्चना निकलेगी, ये कभी नहीं सोचा मैंने। अपने देवर के साथ चक्कर? समधी जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? होश में तो है? विश्वास नहीं होता है ना, तो पूछो अपनी बहू से, पूछो अपने बेटे से, क्या चल रहा है दोनों के बीच में? तुम लोग मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाले थे, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? विजया, माँ वो सनी और इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है माँ। मैंने इन्हें कितनी बार मना किया लेकिन ये जानबूझकर ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं तो शर्म के मारे आपको बता भी नहीं पाया माँ। और माँ, मैं कृष्णा से प्यार करता लेकिन जब इन्हें ये बात समझ में आई माँ, तो इन्होंने जानबूझकर मेरी और अपनी एक झूठी प्यार की कहानी बनाकर कृष्णा को सुना दी माँ। कृष्णा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कृष्णा, I really love you। सनी, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ? मैं अपनी बेटी समझती थी, तू ऐसी हरकत करेगी, तुझसे उम्मीद नहीं थी मुझे। ममता जी, माफ करना, मैं अपनी बेटी की शादी इस घर में नहीं कर सकता। नहीं अंकल, प्लीज अंकल, ये रिश्ता मत तोड़िए अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कृष्णा से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज अंकल, ये रिश्ता मत तोड़िए, प्लीज अंकल, प्लीज। कृष्णा बेटी, अब तुम्हें डिसाइड करना है ये कि क्या तुम इस घर में शादी करोगी। पापा, जिस लड़के के लिए मैं आपसे लड़ी, खुद को बदलने की कोशिश की, वो मेरे प्यार के लायक है ही नहीं। आप जैसा कहोगे ना, मैं वैसा ही करूंगी। पापा, अगर ये लोग मेरी एक शर्त मानने के लिए रेडी है तो। कौन सी शर्त? अगर ये औरत इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। इस औरत को इस घर से निकालना होगा। मम्मी जी, अपनी गंदी जुबान से मम्मी जी मत बोल मुझे। सच कह रही कृष्णा, तो अब इस घर में नहीं रह सकती, निकल यहाँ से। मम्मी जी, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ लेकिन निकल जाए इस घर से। बहू, दाहिने पैर से कलश गिरा और अंदर आ। खुश रहो, खुश रहो। आ जा अंदर। बहू, ये हमारी पुश्तैनी गहने हैं। जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे भी यही मिला था। आज से तू इसकी जिम्मेदारी ले और संभाल के रखेगी। जी। अच्छा माँ जी, ये पापा जी ने भेजा है।
हमारे घर में जब भी शादी होती है ना तो कुल देवता को चढ़ाया हुआ प्रसाद घर में बांटा जाता है। ये लीजिए। सनी को जी लीजिए। थैंक यू। तू जाके सनी के कमरे में आराम कर, मैं सनी को बाद में भेजती हूँ, कुछ रसम बाकी है। जाके हेलो। हाँ पापा, मैंने ना सबको बेहोशी वाले लड्डू खिला दिए और सारे सो भी गए। हाँ हाँ, घर में जितना भी कैश था ना, जितने भी गहने थे, मैंने सब एक बैग में भर लिए। आप जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, हम दोनों ना बस यहाँ से निकल चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके बाय। त्रिशा, मुझे पता था कि तू सही लड़की नहीं है। अब तू देख मैं कैसे सनी और मांझी को सब कुछ सही सही बताती। भाभी, सनी, मांझी, के कारण मैंने अपने पापा से लड़ाई की। सनी के साथ ना मुझे एक कनेक्शन महसूस होता है और उसके साथ ना एक नई जिंदगी बिताना चाहती हूँ। पापा, छोड़ो। बेवकूफ लड़की, अपनापन महसूस करना तेरा काम नहीं है।
मेरा काम सिर्फ मुझे पैसे कमा के देना है। खुद को बदलने की कोशिश की थी लेकिन तुम एक नंबर के धोखेबाज आदमी निकले। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सारे काम मैं फिर से कर रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सब तुम्हारी गलती है और तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। विजया, 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 प्लीज मुझे माफ कर दो। सनी, आज तो मैंने अपना प्यार साबित कर दिया ना। विजया, अपनी जान तुम्हारे लिए देके। विजया, प्लीज, प्लीज बच जाओ। विजया, तुम्हें जितनी भी माफी मांगनी है ना, सब ऊपर जाके मांगना। ए, आ, आ, सन्नी, बेटा पुलिस को फोन कर। हाँ, हाँ, मैं। हेलो, हाँ, इंस्पेक्टर साहब। पीछे प्लीज मुझे माफ कर। प्यार जरूर नाजायज था पर कुर्बानी बिल्कुल जायज थी। यही तो बारीक सा अंतर है प्यार और सनक में। सनक आपको क्राइम गुनाह के रास्ते ले जाती है और गुनाह बर्बादी का रास्ता है। लेकिन जब तक इंसान को ये बारीक का अंतर समझ आता है तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है और उनकी ये सनक एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ देती है। Share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.